खरगोन निमाण अंचल के प्रवास पर आए राज्यसभा और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दौरे के दूसरे दिन शहर पहुंचे और दोपहर करीब 2 बजे दिग्विजय सिंह पूर्व विधायक परसराम डंडीर के निवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस एवं NSUI कार्यकर्ताओं से मुलाकात की एवं मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि PCC चुनाव के मद्देनजर दौरा जरूर है, लेकिन गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। मीडिया और भाजपा के द्वारा यह सब फैलाया जाता है। PCC की कल की बैठक जिला संगठन के पदाधिकारियों के साथ थी, ऐसे में हमारी मौजूदगी या गैर मौजूदगी का कोई औचित्य नहीं था। हम आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह खरगोन और बुरहानपुर के 2 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान आज खरगोन में कांग्रेस के पूर्व विधायक परसराम डंडीर के निवास पर पहुंचे और यहां से पूर्व PCC अरुण यादव के गृह ग्राम बोरावा की ओर रवाना हुए, जहां अरुण यादव पूर्व PCC के साथ सहभोज के बाद PCC चुनाव को लेकर अहम बैठक हो सकती है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जी बताइए। कल जो संगम आपने देखा कि जी बैठक थी कल, लेकिन आप लोग यहाँ पहुँचे, इसको लेकर क्या राजनीति उठापटक चल रही है, गुटबाजी के लेकर क्या आरोप लग रहे थे? आपको मालूम है बैठक किसकी थी? जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक थी, ना अरुण भाई जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, ना मैं हूँ। ये तो मीडिया और भाजपा मिलकर ये अफवाहें फैलाते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी दृढ़ता से आज कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, ना पहले गुटबाजी थी ना आज है। संगठन का चुनाव होने वाला अगस्त में, इसके लिए क्या तैयारी है? जो आपका मेंबरशिप हो रही है, मेंबरशिप के लिए ही तो सारा कल मीटिंग थी जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षों की। पूर्व विधायक परसराम जी डंडीर यहां पहुंचे, कहीं ना कहीं से भी देखेंगे हम। परसराम मंडीर तो परसराम जी हमारे परसू भाई बहुत मजबूत नेता है हमारे। NSUI छात्र संगठन द्वारा सदस्यता महाअभियान चलाया जा रहा है, खरगोन में भी सराहनीय कार्य हो रहा है, किस प्रकार से युवा देख रही है इस बार कांग्रेस पार्टी, युवाओं को किस प्रकार देख रही है? कांग्रेस ने हमेशा युवाओं को मौका दिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।